तो अभी तक हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, तो इससे आपको आइडिया होता है कि वर्डप्रेस कितना ही एक ईजी टू यूज़ बट येट इट्स सच अ पावरफुल सिस्टम। वर्डप्रेस पे आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप इसकी SEO कर सकते हैं, आप इस पे कंटेंट डाल सकते हैं, आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, आप ऑथर्स क्रिएट कर सकते हैं। भाई ये तो पूरी एक बड़ी डिटेल्ड कहानी है, जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स बट ईजी टू यूज़ एंड वेरी पावरफुल सिस्टम। इसीलिए वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया। बट इन दिस टॉपिक वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द विजुअल साइड ऑफ वर्डप्रेस, वो साइड वर्डप्रेस की जो अभी तक शायद हमने इतनी डिटेल में डिस्कवर नहीं की, एंड दैट साइड इज स्लाइडर्स। और मैं ऑब्वियसली जाऊंगा डिटेल में, आई वॉन्ट टू शो यू व्हाट वर्डप्रेस स्लाइडर्स आर, हाउ दे वर्क एंड कैसे ये आपकी वेबसाइट में चार चांद लगा सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डू अ रीकैप ऑफ द विजुअल साइड ऑफ वर्डप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीम्स। क्या आपको याद है कि थीम्स क्या होती हैं? हो सकता है अभी तक आपने काफ़ी डिफरेंट तरह की थीम्स ट्राई भी की हो। थीम्स अलाउ यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट विदाउट हैंडलिंग और मैनेजिंग एनी ऑफ द कंटेंट। भाई कंटेंट को छेड़े बगैर आप वर्डप्रेस में बड़े ही इजीली उसका पूरा थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट दैट्स वन ऑफ द रीजन्स कि वर्डप्रेस इज़ सो मच प्रिफर्ड बाय क्लाइंट्स एज वेल, क्योंकि क्लाइंट्स को पता है कि अगर हमने इस वेबसाइट की थीम को थोड़ा सा चेंज भी करना हुआ तो हमारे कंटेंट को बिल्कुल किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड हाउ यू डू दिस? यू डू दिस बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू थीम। हमने आपको कुछ थीम्स यहाँ पे ट्राई कराई, साथ ही साथ हमने आपको बेस्ट वर्डप्रेस की थीम्स भी ट्राई कराई। हमने आपको टिप्स दी कि कैसे आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप थीम्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे कुछ थीम्स आर फ्री, कुछ थीम्स आर पेड। वी ऑल्सो मेड यू ट्राई अमेजिंग बिल्डर्स लाइक एलिगेंट थीम्स का जो DV बिल्डर है, या एलिमेंटर जो एक प्लगइन है, या साथ ही साथ जो साइट ओरिजिन का बिल्डर, इस तरह के बहुत बिल्डर्स, और बीवर बिल्डर का भी मैंने आपको बताया। तो दीज आर द डिफरेंट बिल्डर्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज टू add more functionality, add more themes to your website. But because we want to focus on sliders, so is wale topic mein hum sliders ki baat karenge. Ek point jo main bada important yahan pe mention karna cha raha hu wo ye hai ki theme mein slider add karna hai ki nahi, ye totally aapne decide karna hai. Kyun? क्योंकि देर आर सम प्रोज एंड देर आर सम कॉन्स, और कुछ थीम में हो सकता है स्लाइडर ऑलरेडी अवेलेबल हो, कुछ थीम में हो सकता है आपको स्लाइडर्स खुद ऐड करने पड़े। बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्लाइडर होता क्या है? व्हाट आर स्लाइडर्स? इसको दूसरे लफ्जों में हीरो इमेज भी कहा जाता है। सो अ हीरो इमेज और अ स्लाइडर इज द मेन बैनर दैट समबडी सीज व्हेन दे कम टू योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट पर अगर कोई पहली दफा लॉग इन करेगा तो जो उसको टॉप पे एक बैनर नजर आएगा, दैट बैनर इज नोन एज द स्लाइडर या इज ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज। और अगर आपको याद हो कि हमने आपको रिसेंट टॉपिक्स में जब वू कॉमर्स का एक पूरा शो केस दिखाया था, तो उसमें ऑल द वेबसाइट्स यूज टू हैव अ स्लाइडर, और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में या मैगजीन वेबसाइट्स में स्लाइडर होना तो लाजमी है। क्यों? बिकॉज स्लाइडर can really capture the attention of the users. अगर यूजर की attention capture होगी तो वो आपके product या content पे click करेंगे। अगर वो आपके product या content पे click करेंगे तो वो आपकी website पे transaction करेंगे। So इस पूरे user flow में slider या hero image का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम आपको एक example भी देंगे इब्राहिम टॉय हाउस की। This is a website that one of my friend runs, उस पर कैसे वो sliders को use करते हुए अपनी sales को increase करते हैं। और obviously इस हमारे जो topic है उसमें different plugins भी हम explore करेंगे sliders के। काफ़ी वैसे तो हैं plugin slider के जो आप try कर सकते हैं, but the one that we want to try out is called
the revolution slider. So revolution slider allows us to very easily add a slider to our website. Ab kuch questions hain jo main aapke answer karna chahta hu, wo ye hain ki agar to aap ek builder plugin use kar rahe hain to kya aapko slider plugin alag se use karne ki zarurat hai. So let's say if you're using something like Divi or you're using something like Elementor, do you need to install a separate slider plugin? So the short and sweet answer to that is a no. Most of the builder plugins like Divi, like Elementor, like Beaver Builder, like Site Origin, all of them give you built-in slider options. So aapko alag se plugin install karne ki zarurat nahi hai slider ki. Aur maine aapko ye pehle bhi bataya tha कि जितने कम प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी आपकी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी. दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके वेबसाइट पे स्लाइडर होना ज़रूरी है? सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आपकी साइट पे किसी तरह की एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो स्लाइडर होना लाजमी है. बट इफ़ योर साइट इज़ नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट्स मोर अबाउट कॉन्टेंट, तो स्लाइडर को होना ना होना उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा. दीज आर जस्ट माई टिप्स. सो वट वी कैन डू नाउ is we can take you through a live journey. हम एक slider के plugin जो है वो search करते हैं Google पे. हम फिर साथ ही साथ we'll try to install one of the slider plugins and we'll try to see कि उनकी functionality को आप कैसे use कर सकते हैं और कैसे अपनी website को चार चांद लगा सकते हैं using image sliders और even video sliders. Sliders की हम बात कर रहे थे. एक चीज़ जो मैंने शायद mention नहीं की, मैं दोबारा mention कर देता हूँ, वो ये है कि स्लाइडर्स सिर्फ इमेजेस की नहीं बल्कि वीडियो के भी हो सकते हैं. आई विल गिव यू टू वेरी गुड एग्जांपल्स टू सी कि स्लाइडर्स कैसे आपकी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं. सो द फर्स्ट वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉल्ड इब्राहिम टॉय हाउस. ये बड़ी मशहूर एक यूके की साइट है. मैं इसकी आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज दिस साइट इज़ एक्चुअली पावर्ड बाई वर्डप्रेस और ये वू कॉमर्स पर पूरी बनी हुई है साइट. एंड इनका जो पूरा बिजनेस है दैट्स एक्चुअली, एंड द फाउंडर इज़ एक्चुअली अ पाकिस्तानी. सो ये भी कुछ वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जो कि वर्डप्रेस को यूज़ करके दे आर मेकिंग मिलियंस ऑन देयर वेबसाइट. सो इब्राहिम टॉय हाउस बेसिकली सेल्स इस्लामिक टॉयज़ टू अ वेरी बिग मार्केट इन द यूके. और देखें, जैसे ही इनकी साइट लोड हुई है तो आपको टॉप पे एक स्लाइडर नज़र आ रहा है. ये पूरी वेबसाइट इस वक्त इट इज़ पावर्ड बाई वर्डप्रेस. तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है जो कि फेड इन फेड आउट हो रहा है और आप इस स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट अ हीरो इमेज और स्लाइडर डज. इसी तरह एक और साइट की मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, विच इज़ scratchpetfood.com.au. इसकी मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज जो इस साइट पर आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है दैट स्लाइडर इज़ अ वीडियो स्लाइडर. तो आप इमेज स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं और आप साथ साथ वीडियो स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं. तो हम ये करेंगे कि हम जाएंगे दोबारा गूगल पे एंड वी विल यूज़ अ सर्च क्वेरी कॉल्ड स्लाइडर प्लग इन फॉर वर्डप्रेस. एंड आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ गए. वाउ स्लाइडर, स्लाइडर बाय 10 वेब, लेयर स्लाइडर. बट व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू गो टू आर वेबसाइट एंड वी वांट टू ट्राई आउट रेवोल्यूशन स्लाइडर. तो मैं अपनी साइट पर जाऊँगा और वहाँ पर आई विल ट्राई टू इंस्टॉल द रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लग इन and I'll try to quickly see कि उसकी क्या functionalities हैं जिनको use करके I can add obviously a slider to my website. Again, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि अगर आपके पास already एक builder plugin है like Divi या Elementor तो you don't need to install a separate plugin. यहाँ पर मैंने revolution slider लिखा और जैसे ही मैंने revolution slider लिखा आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा options आ जाएंगे slider की. और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं. तो आई ट्राई टू इंस्टॉल द फर्स्ट वन बाय नीवो कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस इमेज स्लाइडर. जैसे ही मैं ये इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी. आप देख रहे हैं कि 40,000 वेबसाइट्स इसको यूज़ कर रही हैं. इट वाज अपडेटेड 1 month बैक. सो ऑब्वियसली इट्स अ रिलेटिवली पॉपुलर प्लग इन. और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि नकालों से होशियार रहें वेन इट कम्स टू वर्डप्रेस प्लग इन्स एंड ट्राई टू यूज़ प्लग इन्स विच आर यूज बाई एटलीस्ट a lot of people. मतलब अगर 5 से 10 हज़ार लोग एक पर्टिकुलर प्लग इन को यूज़ कर रहे हैं सो देर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो प्लग इन सही होगा. सो नीवो स्लाइडर का आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है. मैं नीवो स्लाइडर में जा सकता हूँ एंड वहाँ पे नीवो स्लाइडर में आई कैन ऐड अ न्यू प्लग इन टू
माई वेबसाइट. जैसे ही ये सेटिंग लोड हो जाती हैं तो यू कैन सी कि वो मुझे बता रहा है कि आई हैव अ फ्यू ऑप्शन टू ऐड अ न्यू स्लाइडर. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू, एंड ऐड न्यू क्लिक करते ही ये मुझे एक नए स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन दे देगा. मोस्ट ऑफ द स्लाइडर प्लगइन्स यूजुअली अलाउ यू टू ऐड स्लाइडर ऑन योर पेजेस और योर पोस्ट यूजिंग अ शॉर्ट कोड. तो शॉर्ट कोड के बारे में हमने पहले जिक्र किया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुझे एक स्लाइडर की ऑप्शन दे रहा है. मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उसमें इमेजेस डाल सकता हूँ, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं अपलोड कर सकता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन ऐड अ स्लाइडर टू योर वेबसाइट. देखिए मैंने स्लाइडर ऐड किया, आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश, और पब्लिश क्लिक करते ही मुझे ये शॉर्ट कोड डालना होगा अपने उस पेज में. तो ये आपने एक सिंपल एग्जांपल देखी कि कैसे आप एक स्लाइडर इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे. और चूंकि ये इमेज स्लाइडर है तो शायद हमें वीडियो स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन ना दे, बट यू कैन गेट प्लगइन्स वेरी इजीली व्हिच कैन लेट यू इंस्टॉल अ वीडियो स्लाइडर एज वेल. तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, ये कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, इनको जाएं एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के साथ सीखें, ट्राई टू बी वेरी एक्टिव, लर्न फ्रॉम ईच अदर, ग्रो, कनेक्ट विद ईच अदर, and try to be a part of this revolution which is DigiSkills.pk. aur hamare sath connect karte rahe, seekhte rahe, and ek dusre ke liye aage badhe, and let's try to make Pakistan a part of the global digital economy with your help.